हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माउंटेन बॉय। भैया नवीन चाहते हैं ना? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? गजब बेइज्जती है। तो वेलकम टू माय चैनल, ये शोर चलता रहेगा। सो आज का जो व्लॉग है वो बनाऊंगा मैं फिल्म फेस्टिवल के ऊपर, और आपको मैं दिखाता हूँ फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू है, 22 तारीख है आज। और सो अब आगे की वीडियो में दिखाता हूँ आपको बात। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मुझे 9 बजे तक गेट ही पहुँचना था, बट वो थोड़ा मैथ में थोड़ा टाइम लग गया। सो मैं फटाफट से समर हिल से बस लेता हूँ और फिर पहुँचता मैं गेटी। सो मैं गेटी के पास पहुँच गया हूँ और बहुत जाम की वजह से मैं बहुत लेट हो गया हूँ। सो देखते हैं बच्चे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि ग्रुप लीडर कहाँ गया। तो हम लोग लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, कुछ वॉलेंटियर्स पर खड़े हैं और बोर्ड्स वगैरह लग रहे हैं। हम लोग अपने बैग रखते हैं। मूवी चल रही है अभी, हम लोग अपने बैग रखते हैं। ये गेटी के बाहर अपने बैग्स रखते हैं हम लोग। यहाँ डेकोरेटिंग, ये हम लोगों ने गेट डेकोरेट किया है, और हम ये क्राफ्ट जो लड़कियों ने बनाए थे आपने देखे होंगे, कुछ यहाँ पे भी लगे हैं और फिल्म सीरीज, और यहाँ बहुत ही रश चल रहा है। सभी यहाँ पे डेकोरेट कर रहे हैं, ये सब डेकोरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और अंदर थिएटर में मूवी भी चल रही है। उसको थोड़ा ढंग से देख नहीं रही है, बट दीज आर द प्रिपरेशन। यहाँ सारी जगह प्रिपरेशन चल रही है अंदर बाहर। वेरी गुड वेरी गुड। सो अपने लड़के भी लगे हैं बस, ये अभी रेड कारपेट के आगे लगने वाला है। सो गाइस, हमें जो हमने कैलीग्राफी बनाई है उसको स्टैंड करने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, तो हम अभी लक्कड़ बाजार आए हैं। लकड़ियाँ चखी है आपने, ये देखो ये आदमी, सॉरी ये व्लॉग के चक्कर में एक लड़की टूट गई थी अभी। तो हमने अभी लकड़ियाँ ली हैं, ये देखो। तो हम अभी इसको मॉल रोड लेके जा रहे हैं गेट के पास, फिर हम लोग अपना दिखाते हैं आपको डेकोरेशन का कर रहे हैं। ये हम लोग का लोगो जो इन लोगों का है IF इंटरनेशनल फिल्म फेयर, ये सब रेडी हो रहा है। ये देखिए शुभम ने ये बनाया है जो कैमरा होता है शूटिंग्स के लिए, और अभी हम लोग ये रेड कारपेट यहाँ पे भी थोड़ा डेकोरेट करेंगे, ये एम्प्टी थिएटर। तो चल रही है प्रिपरेशन। तो हम लोगों ने ये बनाया है रोड, और जो शिमला में हो रहा है ये फिल्म फेस्टिवल, तो हमने थोड़ा स्नो भी इफेक्ट दिया है। हाँ जी, ये हमारा नाइन टाइम हो रहा है IFFS यानी इंटरनेशनल फिल्म फेयर शिमला। सो यहाँ प्रिपरेशन चल रही है सारी पीछे, और ये हमारी टीम है।
सो यहाँ फिल्म फेस्ट चल रहा है। शिमला में सनसेट हो गए हैं और अभी टाइम 6:30 हो गए और इनॉग्रेशन के लिए जो हमारे यहाँ हिमाचल के सीएम हैं वो आ चुके हैं और काफ़ी लेट इनॉग्रेशन हो रही है। लास्ट दिन है ये फिल्म फेस्टिवल का, आज 24 है और संडे भी, और गेटिंग के बाहर देखिए बहुत खाली खाली है इस टाइम चला हुआ। अभी वैसे 10:15 तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, क्या क्या हुआ आज के दिन, अवार्ड सेरेमनी, बाकी सब कुछ भी दिखाता हूँ आपको। कब तक ईशा को याद करके कि परेशान होता रह गया तुम? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मूव ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर फिल्म। थैंक यू टीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड इट्स 9th एडिशन, सक्सेसफुल एडिशन। थैंक यू शौर्यस नोइस सर हमने। I know my vocal tones are changing and my energy is changing right now, and though you are right observing me like this, I want you to say that I am not kidding anyone. So this film is designed and directed and scripted by Mr. Rajneeshwar Chauhan. So abhi ek movie chal rahi hai ye theater mein. माननीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का हार्दिक अभिनंदन है 3 दिवसीय 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला में आपका हार्दिक अभिनंदन है माननीय राज्यपाल महोदय। मेरा आग्रह है फेस्टिवल डायरेक्टर मिस्टर पुष्पराज ठाकुर जी से कि वे मंच तक माननीय राज्यपाल महोदय को एस्कॉर्ट करें, उन्हें लेकर आए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज की ये अवार्ड सेरेमनी पुरस्कार वितरण समारोह जिसमें हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल स्वयं पधारे हैं, जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। Yeah.
pitch. This is Ramesh Festival and Hemra Vasi. You have already been honored with many international awards and you have been excellent. And your excellent. Thank you. जाना माना नाम है बॉलीवुड का एंड एस उसके पास आउट है और हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उसकी हेल्प कर सकता है और किस तरह से उसे न्याय दिला सकता है. एक मैसेज के लिए मैं सोसाइटी को अगेन जेंडर इशू एंड ये शायद पूरे देश में ही नहीं एक विश्व भर की समस्या है कि बुजुर्ग लोग अपने बुढ़ापे में. सोशल स्टार्डम अवार्ड 300 के आसपास हमारे पास वॉलेंटियर थे फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस और हम देखेंगे ये लोग सारा फेस्टिवल यही संभालते हैं फ्रॉम राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग टू ऑल द जितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया डेस्क के लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर तो बिकॉज की इशू है समथिंग फॉर दैट तो हमने कॉम्पिटिशन इनके लिए किया सोशल स्टार्डम अवार्ड. आज की जनरेशन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है थिंक लेट अस डू एंड हैव समथिंग फॉर दैम तो दो सोशल स्टार्डम अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल आर्ट्स फिल्म के क्षेत्र में भी आर्ट डायरेक्शन के क्षेत्र में इनका योगदान रहता है एंड दिस वाज वेरी लर्निंग प्रोसेस फॉर देम. नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क दैट्स वेरी. सो गाइस हम लोगों को एक ये मॉन्यूमेंट सीधी दिया है हमें जो फिल्म फेस्टिवल में जो हम लोगों ने रेजोल्यूशन की इसके लिए हमें और हमारी पूरी टीम को. सो थैंक यू फिल्म फेस्टिवल लव यू ऑल. सो जो हमारे यहाँ गेस्ट थे आज गवर्नर हिमाचल के वो अब जा रहे हैं सो फंक्शन अब ऑलरेडी ख़त्म हो गया है एंड ही इज़ गोइंग. सो आज का व्लॉग ख़त्म होता है हमारा आज फिल्म फेस्टिवल के एंड के साथ 24 सितंबर. सो सी यू गाइस और कीप वॉचिंग माई व्लॉग. थैंक यू बाय बाय. तू भी दिखा दे अपनी जगह. ओके.